मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों पर अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए 3 दिन के विशेष अभियान में खान विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। विभाग की टीम ने प्रदेश भर में 195 मामले बनाए और साथ ही 200 वाहन और मशीनों को भी जब्त किया। प्रदेश में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक चलाए विशेष अभियान में उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में सर्वाधिक कार्रवाई की गई। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ सरकार गंभीर है। खान विभाग, पुलिस और वन विभाग की टीमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए खनन माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों पर खान विभाग के ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और निदेशक संदेश नायक ने मॉनिटरिंग कर 3 दिनों का विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत टीमों ने अलग अलग जगहों पर एक साथ कार्रवाई की, जिसके बाद 3 दिनों में अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के 195 मामले बनाए। 8 FIR दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध खनन के खिलाफ अभियान, अवैध खनन प्रकरण 15, अवैध निर्गमन 176, अवैध भंडारण 4, कुल प्रकरण 195, FIR 8, गिरफ्तार 2, बड़ी मशीन जब्त 3, कुल वाहन मशीन जब्त 200, खनिज जब्त 523.29 टन, वसूला गया जुर्माना 70.37 लाख रुपए। राजधानी जयपुर में अतिरिक्त निदेशक BS सोडा SME प्रताप सिंह और ME श्री कृष्ण शर्मा के नेतृत्व में टीम ने बस्सी के पास अवैध खनन के लिए कुख्यात हरडी हरध्यानपुरा में जोरदार कार्रवाई की। वहीं उदयपुर और जोधपुर जोन में अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कोटा और भरतपुर में भी टीम ने खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। अवैध खनन के खिलाफ CM गहलोत सख्त। 10 नवंबर को CM गहलोत ने किया स्टोन मार्ट का उद्घाटन। CM गहलोत खनन माफिया को लेकर गंभीर। CM ने कहा जल्दी ही आएगी नई खनिज नीति। खनन श्रमिकों का सिलिकोसिस से बचाव, सुरक्षा पर दिया जोर। खान विभाग ने चलाया 3 दिन का विशेष अभियान। टीमों ने प्रदेश भर में एक साथ की कार्रवाई। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए नए खनिज ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी की जा रही है। निदेशक संदेश नायक ने बताया कि विभाग के अतिरिक्त निदेशकों BS सोढ़ा, महेश माथुर, महावीर मीणा, जय गुरु बख्शाणी सहित अधिकारियों ने अपनी अपनी जोन में हो रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग की। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए खान विभाग, पुलिस और वन विभाग की मदद से 21 जुलाई से चल रहा अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर खान विभाग ने 3 दिन का जो विशेष खनन अभियान चलाया, उसमें इतनी जोरदार कार्रवाई की गई कि खनन माफिया भाग खड़ा हुआ। 3 दिन के विशेष अभियान के अंदर 195 मामले बनाए गए, 70 लाख से ज़्यादा जुर्माना वसूला गया और 200 से ज़्यादा मशीन और वाहनों को भी जब्त किया गया। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 3 दिन का विशेष अभियान था, इससे जिस तरह का इनपुट आया, उसके बाद खान विभाग लगातार अभियान जारी रखेगा और कोशिश ये की जाएगी कि प्रदेश से खनन माफिया को उखाड़ फेंक दिया जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।